अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तुम सीएम मैडम को देखो, मैं अवैध सर को कॉल करता हूँ। जय हिंद सर, सीएम मैडम मिल गई। सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा है। क्या बात है बिंदिया, कौन आया है? ये कौन है जो एकदम हमले जैसी दिखती है और अभय जी इसे बिंदिया कह के बुला रहे? बिंदिया, अरे कौन है तुम, बोल क्यों नहीं रही हो मुझे? वही तो हम भी देख रहे हैं, पता नहीं किसने घंटी बजा दी। देखिए कोई है भी नहीं। ये सीएम का घर है बिंदिया, ऐसे कैसे कोई घंटी बजाकर भाग सकता है यहां से? कोई तो जरूर होगा। देखा, हम कह रहे हैं ना कोई नहीं है। क्या हुआ बिंदिया? बहुत सर दुख रहा है, चक्कर आ रहा है, पता नहीं सर में अजीब सा दुख रहा है। नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आ जाओ, चलो आ जाओ।
नहीं माँ, वो अचानक से सर दुखने लगा और फिर बेहोशी सी होने लगी। बिंदिया बहु ठीक तो हो ना? हाँ, वो सर में थोड़ी चोट लगी थी ना, इसलिए सासू माँ। वो मिठाई और शक्ति का क्या हुआ? उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। ऐसी कड़ी सजा दिलवाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे वो लोग। बॉस, उसे पकड़ लिया है, वहीं ले जाना है ना जहां आपने बताया था। जी बॉस। अब ज्यादा ना नाम ना लो उन लोगों का, अंत भला तो सब भला। चलो सांझ पाती की आरती कर लेते हैं। और आप लोग अपनी पोजीशंस पे लौट जाइए प्लीज। आओ बिंदिया भाव, आराम से आओ। काम शुरू करो। छोड़ो हमें, छोड़ो, क्यों लेके आए हैं? आओ बहू, आरती कर लेते हैं। आरती की शुरुआत तुम ही करती हो ना बिंदिया? मुझे तो पता ही नहीं कि वो बिंदिया आरती कैसे करती थी। वो करना तो चाह रहे पर वो सर में। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हें आराम करना चाहिए। पूजा के बाद ना कमरे में जाकर आराम करना, आरती हम कर लेते हैं। मुझे कुछ अजीब सा क्यों लग रहा है? पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ गलत हो रहा है। भोलेनाथ, हमको बचा लीजिए।
क्या हुआ अभय? यहाँ आरती चल रही है और तुम इतने परेशान हो? तुम आप आ गए? हमारी वजह से आपका काम नहीं हो पाया। इतनी बेचैन क्यों हो? तुमको अब परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम आ गए हैं ना तुम्हारे पास। अब हम तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। बिंदिया, मुझे तुम कह के कैसे बात कर रही है? क्या हुआ? नहीं, वो कुछ नहीं। बिंदिया, बिंदिया, अरे बिंदिया कहाँ हो तुम? बिंदिया, ऐसे नहीं आएंगे सामने, ढूंढ के दिखाइए। देखते हैं कि आंख पे पट्टी बंधे हुए भी आप हमें ढूंढ पाते हैं या नहीं। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें कैसे ढूंढ के निकालता हूँ। ठीक है, सब लोग अपने हाथ ऊपर कर लो। है मेरी बिंदिया। कैसे पता चला आपको? तुम्हारा स्पर्श बिंदिया हजारों लाखों में एक है। हल्के से भी छूती हो ना तो जैसे मेरे रोम रोम में तुम बस जाती हो। मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है। जीने के लिए तो काफी है। अरे लल्ला, अरे यह काहे सो रहा है?
कुछ नहीं माँ, बस वो आंख लग गई थी। अच्छा ये बता, ऐसे मंद मंद क्यों मुस्कुरा रहा है? कुछ नहीं माँ, मैं बस मैं बस याद कर रहा था कि पिछले वैलेंटाइन्स बिंदिया ने कितना एंजॉय किया था, कितनी खुश लग रही थी वो। आपको पता भी नहीं है कि आपके साथ कोई और रह रही है। बोले ना, अभय जी को पहचानना ही होगा कि वो एक बहरूपी के साथ रह रहे। अरे ढेला कोई नहीं पहचान रहा है मेरे को यार। हाँ जानती, नजर हटी दुर्घटना घटी, पूरी सावधानी रखेंगे। इससे माँ कसम बहुत तेज है वो अभय, इतना तेज कि बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेज। छोटी छोटी बातें याद है उसको बिंदिया की, एकदम फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा। अगर उसने हमको पकड़ लिया तो अपना तो सारा खेल टाए टाए फिस हो जाएगा। माँ मैं वही खुशी आज बिंदिया को देना चाहता हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छा ख्याल है बेटा। अच्छा ये बता, इनमें हम क्या कर सकते? अरे पता ना। कुछ नहीं माँ, मैं बिंदिया के लिए पार्टी देना चाहता हूँ माँ, और आज वैलेंटाइन्स डे भी है। अरे हाँ तो ले जाना उसे कोई अच्छी सी जगह पे। नहीं माँ, बिंदिया को ना हमेशा पूरे परिवार के साथ अच्छा लगता है, और मुझे भी। पार्टी होगी तो घर पर ही होगी, रखो ना। अरे इमें पूछने की क्या जरूरत है? अरे जरूर रख, ये तूने बहुत अच्छा किया बेटा। ठीक है माँ, मैं अभी जाकर उसे बताता हूँ। से तेरा भी ढेर सारा थैंक यू है हाँ, मेरा इस खेल में साथ देने के लिए। वैसे सही कहा है किसी ने, घर का भेदी लंका ढाए। क्या डेयरिंग की है तूने, घर के अंदर रह के घर के ही खिलाफ। मान गई तुझे। तुझे फिकर करने की बिल्कुल भी जरूरत ना है, तुम जैसा चाहोगे राज्य वैसा ही चलेगा। हम बिंदिया भारद्वाज स्टेट की सीएम। किसको बता रही हो कि तुम स्टेट की सीएम? बिंदिया, वो कुछ नहीं, ऑफिस का फोन था। तुम कब से अपने लोगों पर अपने सीएम होने का हक जमाने लगी हो? पहले तो ऐसा नहीं करती थी। क्या करें, कभी कभी अकर जमाए बिना काम नहीं होता। वो सब छोड़ो,
आज वैलेंटाइंस डे है, बताओ क्या करने वाले हो मेरे लिए, बोलो ना। पार्टी करते हैं। अरे वाह, पार्टी, सही है। हाँ, वो इतने दिनों बाद जाकर घर में सब कुछ ठीक हुआ है, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम दोनों भी अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर लेते हैं, इसलिए मैंने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी तुम्हारे लिए। छोटी सी? हाँ, खास तुम्हारे लिए पिंडिया, पूरी फैमिली के साथ। पूरी फैमिली? हाँ, क्यों, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, हम तो ये सोच रहे हैं कि अब कितना मजा आएगा सबके साथ, है ना? हाँ हाँ, तो जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, और मैं भी जाता हूँ, मुझे भी बहुत तैयारियां करनी है। ठीक है। अब आगे आगे देखते जाओ, अब है होता है क्या। हम तो तैयारियां करके आए हैं तुम्हारे साथ रहने की। हमें तो अब सारी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखना है। अब है आज की रात, रात भर जागेंगे, तेरे बाहों में बाहें डालकर खूब नाचेंगे।